भी मूड हो रहे थे। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल। सो गाइज, हम लोग ठीक तरीके से पहुंच गए थे और देखो रूम पूरा खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे और राज के अलावा। और अभी राज गए हैं मुँह हाथ धोने, अपना फ्रेश होने, और मैं तो नहा दूँगी। मैंने सोचा कि आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ कि हम लोग ठीक तरीके से पहुँच गए थे और मतलब हम लोग सेफ है। और आप लोग के बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी इतनी फिकर कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो हर तरीके से, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली हम लोग अच्छे से सेफली पहुंच गए थे और अभी ये नहा के आ गए और मैं नहीं नहाया। और बाकी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ रूम कैसा है। बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा यार रूम कैसा है। तो गाइस चलो बाकी तो गाइस हाँ आप लोग कमेंट मत करना, वो अभी नहा के ये इसलिए लगा नहीं है। बाकी जो भी रहता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे क्या करना है मेरे को। और टेक मतलब यहाँ पे केयरिंग करनी है और बाकी खाने पीने का सारी चीज़ों का यहीं पे दे रखा है, बस गैस वगैरह नहीं है। बट जो भी है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस देखो ये पूरा हमारा यहाँ पे काम वगैरह चलता है, ये यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें जाती हैं बार बार। बाकी ये यहाँ पे सारे लोग काम कर रहे हैं इधर। बाकी यहाँ का बाथरूम दिखाता हूँ। ये गाइस वहाँ पे एक ऑफिस है, वहाँ पे उनका जो मेन है। बाकी ये देखो यहाँ पे हम नहा सकते हैं, मतलब मेरे लिए मतलब यहाँ पे मैं नहा सकता हूँ। बाकी वॉशरूम वगैरह इसी में दे रखा है, ये ना टॉयलेट वगैरह के लिए, मतलब ये कुछ इस टाइप का है। वो रहा हमारा रूम और वहीं से सब कुछ रहता है, इसके अंदर जाओ आराम से। बाकी यहाँ पे सारे काम वाम होते हैं। बाकी अभी यहाँ पे केयरिंग टेक केयरिंग वगैरह करना है, तो चलो मैं आपको आगे मिलता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे इस पे खाना बनाते थे भैया, मतलब पहले जो है मतलब देखो हमारे पास सब कुछ है, मतलब हमारे पास चूल्हा वगैरह है और बस वो है कि गैस लाना है, मतलब है ना। और बाकी किंजल अब रेडी है, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करते कि भाई किंजल ने सिंदूर नहीं लगाया, मंगलसूत्र नहीं पहना। कोई नहीं, बाकी कि वो अभी नहा के आई थी इस वजह से। बाकी यही सारी चीज़ें, छोटा सा प्यारा सा रूम मिल गया हमें अब रहने वगैरह के लिए, और काम भी यहीं पर हम कर लिया करेंगे। एंड जो भी रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। बाकी थैंक यू सो मच, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। और हमारी जो भी चीज़ें होती है हम आपसे शेयर करते हैं, आप मेरी फैमिली हो, हमारी फैमिली हो। तो बाकी चलो मैं जो भी रहता है आपको अपडेट देता हूँ। अभी कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, फिर खाते हैं एंड बाकी आपसे मिलवाते हैं और दिखाते हैं ऑफिस वगैरह यहाँ का कैसा है क्या है। बाकी ये पूरा ऐसे ही है, खुला बिल्कुल, यहाँ पे लोग आते हैं काम करते हैं फिर चले जाते हैं। तो बस चलिए मैं आपको आगे मिलता हूँ। और गाइज यहाँ पे मतलब बर्तन वगैरह जो रह गए थे वो सारी चीज़ें अभी हमें यहीं पे मिल रखी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना हमें मिली रखी है। तो ये सारा रूम वगैरह है, ठीक है। बाकी इस पर हम लोग आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ैन वगैरह ही कोई दिक्कत है ही नहीं, पंखा वगैरह ही आराम से नींद आ जाएगी। वो बिछाने वगैरह के लिए मतलब ये मान लो कि आधे से ज़्यादा सामान ना थोड़ा बहुत मतलब जितना हम खरीद नहीं सकते उतना है। बाकी हमने जो जो चीज़ें खरीदी थी तो वो भी धीरे धीरे मैं यहाँ पे आके शिफ्ट कर दूंगा और बाकी ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो चलो मैं आपको आगे मिलता हूँ। बाकी सो गाइस फाइनली मैं आपको मिलवा देता हूँ यहाँ के जो मैनेजर है, मतलब यहाँ पे सब कुछ देखते वगैरह है। और ये रहे हमारे अंकल इकबाल अंकल। दिक्कत होगी किस चीज़ की हमें? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से यहाँ पे रह के हम लोग काम वगैरह कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। तो बस यही था कि आप लोग को एक बार मिलवाना भी था कि इन्होंने ही बोला है। बाकी अभी काम वगैरह चल रहा है तो मिलते हैं आपको आगे। बाकी जो भी रहता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। बाकी गाइस चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का ऑफिस भी, यहाँ पे जो कि मैंने आपको दूर से दिखाया था। अभी चाबी वगैरह सब कुछ अंकल के पास ही रहता है, तो मैंने सोचा कि अंकल को बोल के दिखा देता हूँ। सो देखो कुछ यहाँ का ऑफिस है, जो हमारे मेन ऑर्डर है वो कब कब आते हैं जो मेन है हमारे? ये सुबह 9 बजे, दोपहर में, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तो है नहीं, बाकी ये देखो छोटा सा नॉर्मल ऑफिस है पूरा, यहाँ पे आइए बैठिए जो भी है। बाकी हम यहाँ से सारा दिखता है, वहाँ पे काम हो रहा है, वो रहा रूम जहाँ पे हमें मिला है। बाकी चलो जो भी रहता है मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ, ठीक है अंकल बंद कर दीजिए। तो जो भी रहेगा मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। तो चलिए बस सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस अभी इकबाल अंकल ने हमें खाना दे दिया है, आज चावल दाल, बाकी कल से खुद बनाना है। तो जल्दी से खा लेते हैं। किंजल के पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, खाएगी थोड़ा सा खा ले, ले एक बाइट तो खा ले, पेट में दर्द हो रहा है इसकी, पता नहीं क्या है। तो गाइस चलो मैं खाना खा लेता हूँ, फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ, है ना। खा ले किंजल, मैं इसको भी खिला दूँगा, टेंशन मत लेना आप लोग। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा बोलना था कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो उसमें ना उसका सामना करना सीखो,
हार मान गए ना तो भाई उसी टाइम आप लोग चले जाओगे। तो अभी मैं और किंजल खा रहे हैं, इसको मना वना के मैं खिला रहा हूँ, बाकी चलिए आप लोग भी खाना वाना खा लीजिए और मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस देखो यहीं पे हमें ऐसे ही बर्तन वगैरह धो लेने हैं, ये रहा हमारा नल का, चलिए जल्दी से फटाफट ऑफ। हम भी मुंह धो लेते हैं। तो गाइस कल मैंने मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, तो यार कल मेरे को मतलब थोड़ा सा अजीब लगा था कि यार आप लोग कमेंट्स करते हो, अच्छे कमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, थोड़े नेगेटिव्स भी होते हैं। मतलब कल क्या मैं हमेशा सारे कमेंट्स पढ़ता ही हूँ, तो यार कल एक दो चीज़ मतलब दो चार लोग हैं, मुझे ये नहीं पता, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये है वो है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, जो नेगेटिव कमेंट्स वाले हैं उनको बोल रहा हूँ, तो गाइस अगर आप लोग ना भाई अच्छे कमेंट्स नहीं कर सकते ना तो आप लोग नेगेटिव भी कमेंट्स मत कराओ करो, कि यार मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कभी कभी ना बुरा लगता है यार पढ़ के कि यार ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, मतलब इतनी हालात ऐसी चल रही है लेकिन फिर भी इनको लगता है कि ये चीज़ है वो चीज़ है। मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसमें बोल रहा भाई कि भाई तुम फेक वीडियो बनाते हो, तुम्हें व्यूज़ चाहिए बस, ये है वो है, मतलब यार आप लोग क्या सोच के बोल रहे हो ये बताओ, उसको हर्ट भी हो सकता है ये भी तो सोचा करो अगर कुछ बोल रहे हो। लेकिन ऐसे यार बुरे कमेंट्स मत करो क्योंकि बहुत बुरा लगता है यार। एंड बाकी प्यार करते हैं, किंजल से प्यार करते हैं, आई लव यू आप लोग को बहुत सारा। एंड सच में आप लोग बहुत हमारी रिस्पेक्ट करते हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब आप बिल्कुल एक फैमिली हो हमारी, तो बस ऐसे ही आप हमेशा प्यार बनाए रखना। एंड बाकी यार आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड जो भी सारी चीज़ें थी हमने आपको दिखाई हैं, बाकी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जितना हो पाएगा मैं अपडेट देता जाऊँगा। एंड अभी तो यार हम जाएंगे थोड़ा सामान वगैरह जो घर के लिए, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगी। एंड बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आपकी वीडियो छोटी होती है, तो मेरे भाई जो बोलते हैं कि छोटी वीडियोस रहती हैं गाइज, अब बताओ मैं मेरे से जितना हो पाता है जो भी मैं शूट कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वही है। बाकी पूरा ट्राई करूँगा कि आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ जो भी हमारा रहे, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट इसलिए रखनी पड़ रही है हमें, क्योंकि यार हमारी फैमिली है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं धमकी देने वाले, घर वाले रिश्तेदार में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाता। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और भाई नेगेटिव कमेंट्स वालों प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के यार करा करो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बाकी लव यू, टेक केयर, बाय बाय।